हेलो एवरीवन, दिस इज़ वसीम एंड वेलकम टू स्किल डेवलपमेंट सेशंस विद आईटीआरसी टेक्नोलॉजीज। सो गाइस, आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल स्पेन, इंटरकनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर। तो इनको क्लासिफाई करने का जो बेस्ट प्रोटोटाइप है वो है इनका ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब ये कि जितना एरिया तक वो फैले हुए हैं या स्प्रेडेड हैं, उस बेसिस पर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को क्लासिफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल स्पेन, इट मे बी स्पेंड अक्रॉस योर टेबल अमंग ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेस और शेयरिट इनेबल्ड डिवाइसेस रेंजिंग नॉट मोर देन फ्यू मीटर्स, और इट मे बी स्पेंड अक्रॉस अ होल बिल्डिंग इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट डिवाइसेस टू कनेक्ट ऑल द फ्लोर्स, और इट मे बी स्पेंड अक्रॉस अ होल सिटी, और इट मे बी स्पेंड अक्रॉस मल्टीपल सिटीज आर प्रोवेंसेस, और इट मे बी वन नेटवर्क कवरिंग द होल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। नेक्स्ट इज इंटरकनेक्टिविटी, इट डिफाइंस द इंटरनली कनेक्टेड स्ट्रक्चर ऑफ द होल नेटवर्क। तो बेसिकली इंटरकनेक्टिविटी में जो हमारा नेटवर्क का इंटरनली स्ट्रक्चर है, कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ हुआ है नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में, जैसे बस टोपोलॉजी हो गया, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, और डिवाइसेस किस तरीके से आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, तो इंटरकनेक्टिविटी इंटरनली जो स्ट्रक्चर है नेटवर्क का उसको क्लासीफाई करता है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो हमारा नेटवर्क है ये पब्लिक है या प्राइवेट है। अगर हमारा नेटवर्क पब्लिक है, इट मींस कि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर हमारा नेटवर्क प्राइवेट है तो इसको सिर्फ जो ऑथराइज्ड या लीगल मेंबर्स होंगे उस नेटवर्क के, वही उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो होता है, जैसे हमारा कोई कॉलेज की कोई लैब का प्राइवेट नेटवर्क हो गया, किसी यूनिवर्सिटी के इंटरनली जो भी कम्युनिकेशन का जो प्राइवेट नेटवर्क होता है, उसके अलावा जो बैंकिंग का है ये अपना एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो पब्लिक नेटवर्क की हमारे पास एग्जांपल जैसे इंटरनेट हो गया, ये इसको हर कोई एक्सेस कर पाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब आता है। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन, मतलब नेटवर्क का मॉडल क्या है, ठीक है, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल है, पीयर टू पीयर मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है, या जो भी, मतलब किस टाइप का जो आर्किटेक्चर है नेटवर्क का, वो ये डिफाइन करता है। क्लाइंट सर्वर में जैसे एक कंप्यूटर को हम सर्वर बनाते हैं और बाकी वाले जो भी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट्स होते हैं। तो सर्वर जो होता है, सारी जो मेन पावर्स होती है सीपीयू की, वो सर्वर के पास होती है। जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो सर्वर के पास होती है। क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है, जो उसको फाइल चाहिए वो उसको सर्वर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन करके इन सारे जितने भी ये नेटवर्क की क्लासिफिकेशन से इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल स्पेन। सो गाइज, बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल स्पेन, नेटवर्क को कॉमनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, नंबर सेकंड पे आता है लोकल एरिया नेटवर्क, नंबर थर्ड पे आता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, नंबर फोर पे आता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। लेन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो गाइज, जो ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसका जो रेंज होता है वो लिमिटेड एरिया तक इसका रेंज होता है, सच एज किसी बिल्डिंग तक हो गया, ऑफिस का हो गया, या किसी आपने अपने घर में कोई अपने रेजिडेंस पे कोई लोकल एरिया नेटवर्क आपने इंस्टॉल किया है, या किसी कॉलेज का एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, या किसी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट नेटवर्क हो गया। तो लेन का बेसिकली जो कवरेज होता है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही होता है। मान लो कि आपके कॉलेज की जो लैब है उसका जो रेंज है वो विद इन दी कॉलेज है, ठीक है, उसमें जो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो उसके मेंबर हैं, या वो उसको उस नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, या जो कॉलेज का स्टाफ है वो उस नेटवर्क को एक्सेस करता है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी की बात कर लें, किसी फैक्ट्री की बात कर लें, तो जो फैक्ट्री का लोकल एरिया नेटवर्क होगा वो उस फैक्ट्री की बाउंड्री तक ही सीमित होगा, ठीक है, मतलब कि जो उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज होंगे या जो इस फैक्ट्री के मतलब लीगल वर्कर्स होंगे, सिर्फ वही उस लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो यूनिवर्सिटी का जो अपना एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा वो विद इन दी यूनिवर्सिटी होगा। वो अलग बात है कि उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे, मगर जो उसकी बाउंड्री होगी वो विद इन यूनिवर्सिटी होगी, ओके। तो जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये बेसिकली इसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड रेंज होती है, ओके। तो इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर मान लो हमारी एक छोटी सी कंपनी है, हमारी कंपनी में 20 कंप्यूटर हैं। अब हम 20 कंप्यूटर के लिए 20 प्रिंटर तो नहीं ना खरीद सकते,
तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक लोकल एरिया नेटवर्क लेन उन्होंने इंस्टॉल की होती है और एक ही प्रिंटर परचेज किया होता है और उस प्रिंटर को 20 सिस्टम के साथ कनेक्ट किया होता है थ्रू ट्विस्टेड पेयर केबल या मतलब जो भी मीडियम होगा कम्युनिकेशन मीडियम। तो वन बाय वन करके जिस भी पीसी को या जिस भी वर्कर को जरूरत होती है प्रिंट निकालने की तो वो अकॉर्डिंगली कमांड देता है। तो अब हमें 20 कंप्यूटर के लिए 20 प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज लेन कंपोनेंट्स। नंबर वन इज वर्क स्टेशंस। तो बेसिकली वर्क स्टेशंस हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या सर्वर का पीसी हो गया या फिर क्लाइंट के पीसी। जो भी कंप्यूटर्स लेन के साथ कनेक्टेड होते हैं वो सारे कंप्यूटर्स को हम वर्क स्टेशन कहते हैं। तो चाहे आप उनका पर्सनल यूज करें या आप उनको प्रोफेशनल यूज के लिए इस्तेमाल करें, तो जो भी कंप्यूटर हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होंगे हम उनको वर्क स्टेशन बोलेंगे या हम उनको क्लाइंट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है? अगर तुमने रिमोट लोकेशन पर अपनी फाइल रखी है, मान लो सर्वर में रखी है, ठीक है, और तुम अपने वर्क स्टेशन की मदद से रिक्वेस्ट भेजकर उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर PCH फाइल के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर PCH की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और जिस फाइल के लिए PCH ने रिक्वेस्ट की थी सर्वर उस फाइल को PCH को भेज देगा। एंड देन नेक्स्ट इज गेटवे। बेसिकली गेटवे एक तरह का गेट है, जो भी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है गेटवे इस कम्युनिकेशन को अलो करता है। अगर PCA wants to communicate with PCF तो गेटवे अलो करता है PCA की रिक्वेस्ट को towards PCF। नंबर फोर इज नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट। तो नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कब हम नेटवर्क में ज्वाइन करते हैं और कब हम नेटवर्क से एग्जिट करते हैं, ये सब नेटवर्क इंटरफेसिंग यूनिट प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर लेन के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से पीसी इस लेन के हैं और कौन कौन से पीसी इसके नहीं हैं। जो पीसी इस पर्टिकुलर लेन के हैं उनको वो अलो करेगा और जो उस पर्टिकुलर लेन के नहीं है उनको वो अलो नहीं करेगा। नंबर फाइव इज हब्स। हब एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसमें काफी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। नंबर सिक्स इज कम्युनिकेशन चैनल और लेन केबल्स। जब हम लेन की बात करते हैं तो लेन में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो कोएक्सल केबल की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं और उस कोएक्सल केबल को हम लेन केबल भी कहते हैं और यही लेन केबल हमारा कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसकी मदद से हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है बिटवीन ऑल दी कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन ए लेन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ लेन। सो इट्स प्रोवाइड हाई रिलेबिलिटी। एडिंग वर्क स्टेशन इज इजी, मतलब कि अगर हमें कोई लेन के अंदर नया सिस्टम ऐड करना हो तो वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर इज इजी, मतलब ये कि हम जो शेयरिंग रिसोर्सेज होते हैं वो हम इजीली शेयर कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप एनिमेशन में देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रिंटर है वो एक शेयरेबल रिसोर्सेज है, जितने भी बाकी कंप्यूटर इस लेन के साथ कनेक्टेड हैं तो सभी कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ लेन। तो जो लेन्स की एप्लीकेशंस हैं वो क्या है? फाइल ट्रांसफर इज इजी, मतलब ये हुआ कि अगर हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल भेजनी है तो वो हम आसानी से भेज सकते हैं। इजी फाइल एक्सेस एट रिमोट लोकेशन, तो फाइल का जो एक्सेस है वो भी इजी हो जाता है अगर हमने रिमोट लोकेशन पर कोई फाइल रखी हो। मान लो अगर हमने सर्वर में फाइल रखी है तो हम क्लाइंट के थ्रू रिक्वेस्ट भेज के उस फाइल को सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटिंग। तो पर्सनल कंप्यूटिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपने घर में भी एक छोटा सा लेन बना सकते हो अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट करके एक छोटा सा लेन बना के आप उसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि मान लो एक कंप्यूटर है उसको 20 दूसरे कंप्यूटर्स को एक मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट करना है, तो ये सब हम लेन की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।